गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। इंसेंट हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। इंसेंट में केवल आईवीसी बचा। आईवीसी मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें बहुत छोटा टॉपिक है, उसका हम जब पूरा एक बार कंपाइल कर लेंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है? तब आपको पढ़ा देंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, 10-10 मिनट का। तो अब हम लोग आते हैं मेडिवल पे। एंशिएंट कहाँ ख़त्म हुई थी? जब हम लोग हर्षवर्धन के समय तक आ गए थे, गुप्ता एम्पायर पूरा आ चुका था। 712 से स्टार्ट होता है मेडिवल। देखिए, कोई डेट नहीं होती है, कोई भी टाइमलाइन की कोई डेट नहीं है कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। जहाँ से हिस्टोरियंस और जियोग्राफर्स ने माना है वहीं से शुरू कर दिया गया है। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम, ये नेफ्यू था और दामाद भी था हज्जाज का। ये पूछा जाता है मोहम्मद बिन कासिम किसका क्या था, सन इन लॉ ऑफ हज्जाज या नफ्यू ऑफ हज्जाज या ए बी दोनों या कोई नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी लिखा रहे इसमें इम्पोर्टेंट है। वो भारत में आया और उसने जजिया टैक्स स्टार्ट किया। तो अगर पूछा जाए पहला आदमी जिसने जजिया टैक्स लागू किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। जजिया टैक्स वो होता है जो नॉन मुस्लिम्स देते हैं जब वो रिलीजियस जगह पे जाते हैं, ठीक है, पिलग्रिमेज करने जाते हैं, तो उस टैक्स को बोलते हैं जजिया टैक्स। 712 AD के बाद आया 1001 AD में। AD बोलो ना बोलो अब कोई मतलब नहीं होता, BC बोलना ज़रूरी होता है। अगर आप आगे नहीं बोल रहे हैं AD, इसका मतलब ये समय BC के बाद वाला है। BC और AD तो बताया था ना कि ये समय चलता है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे प्लस चलेगा, यहाँ पे माइनस चलेगा। इसको बोलते हैं BC, इसको बोलते हैं AD। ये तो हम आपको बता चुके हैं, दोबारा बताने की कोई मतलब नहीं है। तो 1001 AD में आता है मोहम्मद गजनबी या महमूद ऑफ गजनी। गजनबी और गजनी नाम ध्यान से याद रखने हैं। इसने 17 बार भारत में लड़ाई की 1001 से 1027 AD तक। इसका 1001 AD में इसने लड़ाई की वॉर ऑफ बहिंद विथ आनंदपाल। आनंदपाल को इसने हरा दिया, लगभग सबको हरा दिया, खुद हारता तो भारत से भगा दिया जाता। 1025 में इसने सोमनाथ के आइडियल को तोड़ा, ठीक है, सोमनाथ पता है ना, अरे याद होगा गुजरात का सोमनाथ का पूरा सोना लेके भाग गया था, तो जो सोना लूटिस था वो महमूद ऑफ गजनी था। 1026 में इसने जटों के खिलाफ लड़ाई की थी। ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है। वॉर ऑफ बहिंद सारनाथ कब तोड़ा गया, 1025 AD में। जटों के खिलाफ कब किया, 1026 AD में। या जटों के खिलाफ किसने किया, मोहम्मद गजनवी ने ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है मोहम्मद गौरी। इसका हमने टाइमलाइन क्यों नहीं लिखी है, मोहम्मद गौरी इसके द्वारा कुछ था यार, अब हम यार लिखना ही भूल गया सेट। चलो इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, अभी पढ़ लो हम बाद में बता देंगे। या ये 1175 में मुल्तान को कब्जे में ले लेता। मुल्तान क्या है, पाकिस्तान, पहले भारत में था ना, पाकिस्तान के एक हिस्से को कहते हैं मुल्तान। जैसे वीरेंद्र सहवाग को बोलते हैं सुल्तान ऑफ मुल्तान, तो पाकिस्तान में मुल्तान है। 1078 AD में इसने राजा भीमदेव से लड़ाई की और राजा भीमदेव ने डिफीट किया गौरी को, ठीक है। राजा भीमदेव डिफीटेड गौरी इन बैटल ऑफ कायाद्रा या बैटल ऑफ गुजरात। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर जैसे लिखने ऐसे हमने तो लिख दिए नोट्स में, अगर आपको अच्छे नोट्स बनाने तो ऐसे लिखो बैटल ऑफ कायाद्रा, ठीक है, राजा भीमदेव वर्सेस गौरी, राजा भीमदेव वॉन, यहाँ पे नीचे लिख दो यार, ऐसे आप लोग नोट्स बना सकते हैं। बाकी जैसे हमने बनाया वैसे ही बना सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो अब यहाँ मोहम्मद गौरी मेन है। मोहम्मद गौरी जिनके ऊपर अभी पिक्चर बनी थी पृथ्वीराज याद है ना, पृथ्वीराज इसी मोहम्मद गौरी के ऊपर बनी थी। इन द सेंस ये उसका विलन था। अब ये आता है मोहम्मद गौरी को जयचंद्र इनवाइट करता है। चलो पहले हो जाते फिर बताते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है, बैटल ऑफ तराइन 1191 AD में। यार पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से याद कर लो। अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान, जिसमें गौरी वॉज डिफीटेड, गौरी को हरा दिया गया, गौरी को पकड़ लिया गया, पर पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया, कहा जाओ कोई मतलब नहीं, हम नहीं रखेंगे तुम्हें, बस वापस अटैक ना करना।
जब ये वापस चला गया तो जयचंद ने इसको इनवाइट किया वापस कि यार पृथ्वीराज चौहान को यार मार दो आके यार, हम तुम्हें मदद देंगे, क्योंकि भारतीयों की वो टेक्निक नहीं समझ पा रहा था। तो कहता हम टेक्निक बता देंगे तुम हरा दो। अच्छा, जयचंद क्यों इनवाइट कर रहा था? क्योंकि जयचंद की बेटी थी संयोगिता। संयोगिता, संयोगिता को पृथ्वीराज भगा ले आए थे, भगा के ले आए थे। संयोगिता खुद ही प्यार करती थी, जब लौंडिया तुम्हारी प्यार कर रही तो उसमें पृथ्वीराज क्या करे। लड़के का तो धर्म होता है, एक क्षत्रिय का धर्म होता है। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म होता है, अगर उसको कोई लड़की पसंद करती है तो उसे भले भगा के ले आना पड़े पर भगा के लेके आओ। तो भैया भगा के ले आए तो उसमें जयचंद नाराज हो गए। उसके बाद गौरी ने कहा अच्छा ठीक, तुम सपोर्ट दो। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई 1192 AD में। इसमें पृथ्वीराज हार गए, जाहिर सी बात है जब तुम मदद दोगे तो हार तो जाओगे ही। इसमें गौरी जीत गया। संयोगिता वॉज इज वाइफ, डॉटर ऑफ जयचंद, हम आपको अभी बता चुके हैं। 1194 AD में बैटल ऑफ चंदावर लड़ी गई अगेंस्ट जयचंद्र। अब आप लोग कहेंगे भैया जी, सर जी, जयचंद ने तो उसे बुलाया था तो जयचंद के खिलाफ क्यों लड़ गया? कॉमन सी बात है, जो अपने दामाद के खिलाफ लड़ाई लगवा सकता है तो वो, ये गौरी तो उसका कुछ ही नहीं था। तो 1194 में बैटल ऑफ चंदावर लड़ी गई जयचंद के खिलाफ और जयचंद हार गए। 1206 AD में मोहम्मद गौरी मर गया। मोहम्मद गौरी में जब मरा तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका स्लेव था, स्लेव समझते हैं ना, इसका काम वाम करता था, पर सबसे अच्छा स्लेव था। तो उसने कहा यार गौरी तो मर गया, कोई इसका ऐसा वो था नहीं, और जो था वो इसके अपने देश में था, गौरी यहाँ का थोड़ी ना था। इसने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये हुआ, अब यहाँ से होती है स्टार्ट ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग कुछ फेजेस को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक डायनेस्टी से बोल दो, हमने तो लिखा ही नहीं यहाँ पर। बट मोर ऑफ अ स्लेव डायनेस्टी, इसे स्लेव डायनेस्टी के रूप में ज्यादा जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 AD। अब यहाँ से यर, हमें आज तक कोई भी पेपर नहीं आया है जिसमें यर पूछा गया हो, और जहाँ यर पूछा जाएगा वहाँ हम आपको बता देंगे, ओके। तो इसने क्या क्या बनवाया? इसने ज़्यादा कोई काम नहीं किया था, इसने डायरेक्ट बनवाया था। इसने बनाया था कुवतुल इस्लाम मॉस्क्यू, इसने स्टार्ट करवाया था कुतुब मीनार। इसके समय में कुतुब मीनार पूरा बना नहीं था, पर कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। इसने बनाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंटली याद कर लेना तीनों चीज़ें। कुवतुल इस्लाम अभी आके पता चलेगा क्यों इम्पोर्टेंट है, कुतुब मीनार तो जाहिर सी बात इम्पोर्टेंट है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये मरा था वाई प्लेइंग पोलो, घोड़े पे बैठ के पोलो खेला जाता है, पोलो खेल रहा था, उसे खेलते वक्त इसकी मौत हो गई। अब इसका बेटा था आराम शाह, इसका आराम शाह गद्दी पे बैठा, बट इसके स्लेव ने इसे मार दिया आराम शाह को। इसका स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। तभी इसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि पहले बैठा स्लेव, अब बैठा स्लेवों का स्लेव, इल्तुतमिश। समझ में आ गया ना? इल्तुतमिश, इसका नाम मंसूर था, इसे कहा जाता है लीगल रूलर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये किसी को मार के बैठा था, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को ऐसे ही कह दिया था घोषित। तो इसे कहा जाता है लीगल रूलर ऑफ इंडिया मंसूर। इसे गुलामों का गुलाम, जाहिर सी बात है ये गुलाम था, स्लेव था, इसका स्लेव ये था, ठीक है, गुलामों का गुलाम। इसने स्टार्ट करी तुर्कने ए चहलगनी। अब क्योंकि थे तो ये सब स्लेव, दिमाग इन लोगों का बहुत तो होगा नहीं। अच्छा, स्लेव भी ये मत समझो बिल्कुल चपरासी नुमा, नहीं, दिमागदार होते थे, बट थे तो वैसे ही ना। तो इसने, अब इसके जो दोस्त थे वो तो सब थे तो स्लेव ही, तो इसने 40 स्लेव्स की एक स्टार्ट की
एक मिनिस्ट्री टाइप की, तुर्कनी ए चहलगनी, जो इसकी पावर को बढ़ाएंगे, मतलब इसको सजेस्ट करेंगे यहाँ ये काम करो, यहाँ ये काम करो, एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आजकल पीएम होता है, पीएम के नीचे होता है होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे तुर्कने चहलगनी। अच्छा ये ध्यान रखने वाली, हाँ ठीक है, तुर्कने ये चहलगनी, ठीक है ये हो गया। अब इनके बेटा था फिरोज़ और रजिया सुल्तान, फिरोज़ गए मर स्टार्टिंग में ही, तो रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी जब ये मरे, ठीक है अभी हम बता देंगे, पर दो लोग हैं इनके बच्चे, कई लोग कहते हैं इनका बेटा नहीं था, नहीं बेटा था आर फिरोज़। मिनहास उज सिराज को इसने अच्छा पेट्रोनाइज का मतलब ये होता है, कहीं भी अभी बीच में पेट्रोनाइज जाएगा तो पेट्रोनाइज का मतलब ये होता है कि उसको जैसे जैसे अपने क्या अमिताभ बच्चन को कोई अवार्ड देना, फिर उनके जिंदगी, अरे जैसे किसी को भारत रत्न मिलता है तो उसकी ज़िंदगी भर की इनकम टैक्स होम टैक्स सब फ्री कर दिया जाता है, वैसे इसने मिनहास उज सिराज को अपने किले अपने मतलब राज्य में पेट्रोनाइज कर दिया था, जिसने लिखी थी तबीयत ए नसीरी, ये पूछा जाता है जैसे क्वेश्चन आएगा तबीयत ए नसीरी किसने लिखी थी, मिनहास उज सिराज, मिनहास उज सिराज को किसने पेट्रोनाइज किया था, इल्तुतमिश ने, ऐसे क्वेश्चन सिंपल आते हैं। इसने स्टार्ट किया था जित्तल और कॉपर की करेंसी, एक इसने और करेंसी स्टार्ट की थी टंका, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें जो हमने आपको लिखाया है वो सब आता है। अब इसको आपको रटना है, इतना रटो कि अपने आप याद हो जाए, आप कहें यार ये तो बड़ा टफ है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, नहीं हमें याद हो चुका है तो सबको याद हो सकता है। स्टोरी वाइज पढ़ो, देखो हमने स्टोरी वाइज बताया, सबसे पहले चलो हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम इसको भी नीचे कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, सबसे पहले कौन आया, महमूदफ़ गजनी, नहीं मोहम्मद बिन कासिम, 1712 AD में, फिर आया महमूद ऑफ गजनी, फिर आया मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रायन लड़ी 1191 में पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें पृथ्वीराज ने उसे हरा दिया, दूसरी लड़ी 1192 में 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज हार गया, ओके मोहम्मद गौरी मर गया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया, उसकी तीन चीज़ें बनवाई हुई थी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुवतुल इस्लाम मॉस्क्यू और कुतुब मीनार। उसके बाद जब वो मरा तो उसका बेटा था आराम शाह, उसके बेटे को इल्तुतमिश ने मार दिया, इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी स्लेव, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने तुर्कनी ए चहलगनी स्टार्ट करी जिसमें 40 स्लेव्स थे, हमने आपको रिवाइज करा दिया, बस ये होता है। फिर आया इसने टंका स्टार्ट की थी, अब आई बैटल ऑफ टरायन जिसमें इसने एल्डोस को हराया, अब ध्यान रखना ये थर्ड बैटल ऑफ टरायन। अब आपसे कह देंगे बैटल ऑफ टरायन, अब आपको याद आएगा यार बैटल ऑफ टरायन तो पहली तो वहाँ हुई थी, नहीं पहली दूसरी नहीं, अगर थर्ड बैटल ऑफ टरायन आएगी तो थर्ड बैटल ऑफ लड़ाइन लड़ी गई थी एल्डोज के साथ, अच्छा यहाँ पे लिखा है डिफीटेड एल्डोज, तो ये ध्यान रखना उसके अपोजिट में तो यार इल्तुतमिश होगा ना, इसने एल्डोस को हरा दिया, एल्डोस एक और राजा था। अब इनका बेटा शुरुआत में गया अमर, बेटे का नाम क्या था आर फिरोज, तो इनकी बिटिया आई रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान इकलौती फर्स्ट रूलर लेडी रूलर थी 1236 से 1240, इसका ईयर भी पूछा जाता है कितने साल रही, इसका ईयर याद रखना 1236 से 1240, ये याद रखने वाली चीज़ है, 3 साल 6 महीने 6 दिन, ओके 3 साल 6 महीने 6 दिन बिल्कुल याद कर लो। इसने पर्दा को मना कर दिया था कि कोई भी औरत पर्दा नहीं डालेगी, और पब्लिक में मेल ड्रेस में आती थी, मेल ड्रेस समझे पैंट शर्ट में, ऐसे अपने आप को मतलब बहुत जैसे वो समझती थी। जब रजिया सुल्तान मर गए, रजिया सुल्तान को साजिश से मारा गया था, किसने मरवाया था चालीसा ने, या अच्छा हमने चालीसा क्या लिखी है, चालीसा गलत लिख दिया, तुर्कने चहलगनी थी जो, जो तुर्कने चहलगनी थी उसे चालीसा भी बोला जाता था, ठीक है उसे चालीसा भी बोला जाता था, ये ध्यान रखना। तो चालीसा ने रूल किया, 40 लोग थे ना तुर्कने चहलगनी चालीसा, तो उसने 1240 से 1265 रूल किया। अच्छा अब यहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंट है, एक टाइम ये इम्पोर्टेंट है, अभी तक हमने बताया था टाइम नहीं याद करना। अब 1240 से 1265 मतलब 40 50 60
25 साल चालीसा ने रूल किया, इन्हीं 40 लोगों ने मिलके। फिर इसी चलो ये और पढ़ा दे फिर खलजी से स्टार्ट करेंगे, रुक जो। फिर इसी चालीसा में से एक निकल के आया बलबन। बलबन ने कहा अब मैं रूल करूँगा, बात ख़त्म। बलबन आया, बलबन बहुत तेज था, अडॉप्टेड द नेम ऑफ गियासुद्दीन बलबन, इसने अपना नाम रखा गियासुद्दीन बलबन। ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अरीज। अच्छा पहले क्या होता था कि जब लड़ाई होती थी तो लोग अपना काम करते रहते थे, जब लड़ाई होती थी तो सबके घर जाया जाता था, कहा जाता था कि उससे लड़ाई है अपने घर से 3 मर्दों को भेजो या 4 मर्द है तो 4 को भेजो। पर इसने डिपार्टमेंट स्टार्ट किया उसी चीज़ का कि जो देखेंगे कौन कौन लड़ सकता है। इसने स्टार्ट किया नवरोज और पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन क्या है ये हम आपको डिटेल में बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है, वरना लंबा हो जाएगा। इसने ये जो चहलगनी थी चालीसा 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 इसको एबॉलिश कर दिया, क्योंकि जानता था यह हमें भी मरवा डालेंगे। इसने चहलगनी को अबैंडन करवा दिया। नवरोज तो अच्छा आप लोग जानते हैं ना, नवरोज मुसलमानों में एक त्यौहार होता है नया नया साल के लिए। फिर इसने इंट्रोड्यूस किया सजदा पैबोज। अच्छा सजदा और पैबोज क्या होता है? सजदा होता है किसी के सामने आके, वो नहीं ऐसे करेंगे आदाब आदाब आदाब, उसे कहते हैं सजदा आदाब आदाब। पैबोज क्या होता है? पैबोज होता है हाथों को चूमना। पैबोज का असली मतलब होता है हाथ या पैर को चूमना। तो इसने ये स्टार्ट करवाया था, अगर कोई भी आएगा तो उसे सजदा पैबोज करेगा, ठीक है, कोई भी सामने से आएगा तो मैं बैठा हूँ, मतलब अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता था। इसने ईरानियन ट्रेडिशंस बहुत इंट्रोड्यूस करे कोर्ट में, ईरान से था तो ईरानियन ट्रेडिशंस इसने खूब इंट्रोड्यूस किया। अब इसका बेटा आया, इसका बेटा शमसुद्दीन क्यामूर, ठीक है, ये लासुलर था इनका। इसको मारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, इसने इसको मार दिया और फाउंड की खिलजी डायनेस्टी। ओके अब खिलजी डायनेस्टी से हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल दिया करो तो हम अगले क्लास में वो सही से समझा देंगे। ओके थैंक यू।